अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। ये हमारा मैट्रिक का सेकंड जो कंसेक्यूटिव सेकंड लेक्चर है, सेकंड एसएलओ आगा खान का, एसएलओ नंबर 14.1.2, मतलब चैप्टर 14 अभी तक चल रहा है। वन मतलब टॉपिक वन, टू मतलब एसएलओ नंबर टू। इस एसएलओ में हमें कह रहा है कि ड्रा एंड इंटरप्रेट बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम विथ इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब हमें क्या करना है कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम बनाना है। अब बार चार्ट हिस्टोग्राम ये इसको अलग में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये कह रहा है कि भाई जो आप हिस्टोग्राम बनाओ वो क्या हो, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल से। अब क्लास इंटरवल हमने अगले वाले लेक्चर में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी जब बना रहे थे तो उसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी या जो हमारे पास डेटा थी उसको हम कैसे ग्रुप में लिख रहे थे और कैसे उसकी क्लास इंटरवल बना रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे। अब हमें उसका हिस्टोग्राम बनाना है, एक में जो ग्रुप इंटरवल इक्वल हो क्लास इंटरवल और दूसरे में क्लास इंटरवल इक्वल ना हो। अब इस एसएलओ में हिस्टोग्राम और बार ग्राफ एक साथ क्यों दिया गया है, दोनों का अलग अलग एसएलओ क्यों नहीं था? क्योंकि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ अगर आप दोनों को देखें तो तकरीबन दोनों में चीज़ सेम है, दोनों का ग्राफ भी थोड़ा सा तकरीबन सिमिलर होता है, थोड़ी सी चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती हैं। वो डिफरेंट क्या है कि जो हमारे पास बार ग्राफ है वो हम वो तब बनाते हैं जब हमें कोई चीज़ें में हो, कैटेगरीज में हो, कैटेगराइज की गई हों चीज़ें, उनकी जब हम एलिमेंट्स या उनकी जब फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो तब हम बनाते हैं बार ग्राफ बनाते हैं। हिस्टोग्राफ तक तब बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो, और बार ग्राफ तब बनाते हैं जब हमारे पास जो डेटा हो वो कैटेगरीज में हो। अब कंटिन्यूस डेटा का मतलब है सपोज हम किसी पर्सन की हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता लगाना हो भाई 3 से 5 फुट हाइट कितने बंदे आते हैं, 5 से 6 फुट में कितने बंदे आते हैं, 6 से 7 में कितने आते हैं। अब ये जो है एक कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। अब अगर कैटेगराइज कैसे, जैसे हमें 2, 3 या 4 क्लासेस हैं और उनको कंपेयर करना है आपस में कि भाई क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास बी में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास सी में कितने स्टूडेंट हैं। अब ये हमें कैटेगरी हो गई ए बी सी क्लास वाइज। हो सकता है गेम्स वाइज हमारे पास कैटेगरीज हो कि भाई क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने पसंद करते हैं, बैडमिंटन को कितने पसंद करते हैं, अच्छा कॉमेडी मूवीज़ को कितने लोग पसंद करते हैं, एक्शन मूवीज़ को कितने पसंद करते हैं, थ्रिलर मूवीज़ को कितने पसंद करते हैं। ये कैटेगरीज हो गई। और जब हमारे पास किसी चीज़ की हम रेंज डेटा जो है वो कंटिन्यूस डेटा में गिवन हो तो तब हम जो है उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब सबसे पहले बार ग्राफ, ये इंतहाई आसान होता है। जैसे हमारे पास एक डेटा गिवन है, कोई भी डेटा है मेरे पास और वो गिवन है कि भाई जैसे ये हमारे पास डेटा है कि भाई ग्रेड ए बी सी कोई भी ग्रेड है, अब उसमें स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड ए में 4 स्टूडेंट हैं, ग्रेड बी में जो है वो क्या है 12 स्टूडेंट हैं, और ग्रेड सी में जो है वो क्या है 10 स्टूडेंट हैं। अब इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। सपोज अब ये जो वाई एक्सिस हम रखेंगे, ये जो चीज़ें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है हम इधर रखेंगे, ये हम रख रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स, और नीचे हम रख रहे हैं कि भाई ये ए ये बी और ये क्या हो गया सी। अब नीचे ऊपर हम जो है इसकी साइज रख रहे हैं, हम कितनी साइज रख रहे हैं, सपोज 2 की साइज रख रहे हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब भाई ग्रेड ए में कितने स्टूडेंट हैं 4, तो हम क्या करेंगे ए पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे और जिसकी हाइट होगी 4 तक। भाई ग्रेड बी में कितने स्टूडेंट हैं 12, तो हम क्या करेंगे ग्रेड बी पे हम एक जो है रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट क्या होगी 12 तक होगी। भाई ग्रेड सी में कितने स्टूडेंट हैं, ग्रेड सी में 10 हैं, तो हम ग्रेड सी पे एक जो है रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट जो है 10 तक होगी।
ये हमारा हो गया बार ग्राफ। हमने जो है हमारे पास जो डेटा थी उसको हमने बार ग्राफ में या बार चार्ट भी इसको कहते हैं, बार चार्ट में शो कर दिया। बार चार्ट में ये होता है कि हम क्या है जो कैटेगरीज हैं उनको रेक्टेंगल टाइप जो उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक उस रेक्टेंगल की हाइट रखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ए की 4 थी तो हमने इस ए के रेक्टेंगल की 4 तक हाइट रखी। इसकी जो है 12 फ्रीक्वेंसी थी तो इसकी हाइट 12 तक रखी। इसकी जो है 10 थी तो हमने 10 तक हाइट रखी सी की। ये हो गया बार ग्राफ। बार ग्राफ बार चार्ट बनाना इंतहाई आसान होता है। कैटेगरीज गिवन होती हैं, सिर्फ उस कैटेगरी का टावर बनाना होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना होता है। अब हमारा मेन मसला आता है हिस्टोग्राम में। अब हिस्टोग्राम में दो चीज़ें हैं, अगर आपने इक्वल क्लास इंटरवल बनाना है तो ये तो इंतहाई आसान है कि भाई आपने जो है इक्वल क्लास इंटरवल का बना रहे हैं जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। अनइक्वल का भी आसान है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी सी टेक्निक उसमें यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम इक्वल का बार ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाएंगे कि भाई इक्वल क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन हो तो उसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। जी अब हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है जो है हम कुछ पत्तों की लेंथ मैयर कर रहे हैं। अब लेंथ जो है मैयर करने कर रहे हैं उसकी हमें जो डेटा है वो ग्रुप में गिवन है। अब उसकी पहली क्लास इंटरवल है 120 से 130 मिलीमीटर या, और सेकंड क्लास इंटरवल है 130 से 140, थर्ड है 140 से 150 और फिफ्थ है 150 से 160। अब हमें ये बता रहा है कि ऐसे पत्ते जिनकी हम लेंथ मालूम कर रहे थे 120 से 130 मिलीमीटर के बीच में जिनकी लेंथ, वो एक पत्ता था उसकी फ्रीक्वेंसी थी 130 से 140 के बीच में जो थे वो 7 पत्ते थे जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 7, और 140 और 150 के बीच में जितने पत्ते थे उनकी फ्रीक्वेंसी थी 50 और 12, तो वो हमने लिखे 12, और 50 से 60 के बीच में जो पत्ते थे जो लीव से उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 5 थी, तो हमने लिखा 5। अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब अगर आप एक बात नोट करें, क्लास इंटरवल 120 से 130 तक 10 का गैप, 130 से 140 10 का गैप, 140 से 150 10 का गैप, 150 से 160 10 का गैप। मतलब इसमें जो ग्रुप डेटा में जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल है। क्लास इंटरवल क्या है? इक्वल है। जब भी क्लास इंटरवल इक्वल हो तो उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना बहुत ही इंतहाई आसान है। अब मैं बना रहा हूँ इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं रखूँगा मेयरमेंट जो लीव्स की है, और ये उसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसको हम रखेंगे। ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लेंथ हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है वो देखना है। लेंथ हमारी जो स्टार्ट हो रही है 120 से 130, तो हमें उस हिसाब से नंबर लगाने होंगे। सपोज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब वैसे अगर देखा जाए तो लेंथ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई हम तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से 120 से। तो ये हो गया 120, ये हो गया 130, ये हो गया 140, 150, 160 तक है। सबसे पहले आते हैं 120 से 130 वाले क्लास में। भाई 120 से 130 में क्लास में फ्रीक्वेंसी है 1, लेकिन उससे पहले हमें जो है वर्टिकल लाइन पे भी हमें नंबर लगाने होंगे। उस पर मैं नंबर लगा रहा हूँ, सपोज मैं उस पर जो गैप रख रहा हूँ वो 2 का गैप रख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14। सबसे पहले 120 से 130 के बीच में भाई फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 120 और 130 से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट 1 तक होगी। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया 1 तक। अब है भाई 130 से 140 तक जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो 130 से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 140 तक,
लेकिन जिसकी हाइट जो होगी वो होगी 7, सपोज यहाँ पे है 7, 6 और 8 के बीच में जी हमारा दूसरा रेक्टेंगल बन गया। अब है 140 से 150, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो 140 से 150 तक मुझे बनाना है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे रखनी होगी 12, ये हो गया 12। अब 12 फ्रीक्वेंसी पे ये 150 तक एक टावर बन गया, रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद क्या है 150 से 160 तक जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 155 से मतलब यहाँ से ये बन गया हिस्टोग्राम। अब हो सकता है कोई रेक्टेंगल जो है ज़्यादा उसकी विड्थ बड़ी हो, किसी की कम हो, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये जो 120, 130, 140 जो रखाएंगे वो इक्वल स्पेस के बाद रखाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल रखेंगे या 10 के, या 2 सेंटीमीटर इक्वल रखेंगे 10 के, तो इक्वल स्पेस के साथ। और ऊपर भी आप जब इक्वल स्पेस के साथ ही जो है नंबर्स लगाएंगे तो आपका एक्यूरेट जो है हिस्टोग्राम बनेगा। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करने जाएँ, ये मैंने अभी तक इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि कंपेयर करें, थोड़ा सा कंपेयर करें तो देखो बार ग्राफ में क्या है, जो हमारे रेक्टेंगल बने हुए हैं हर कैटेगरी के उनके बीच में स्पेस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे रेक्टेंगल बने हुए हैं उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल की जो लास्ट बाउंड्री है वो उसके साथ मिल रही है, जैसे 120 to 130, फिर 130 से 140, तो वो रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ मिले होंगे। जब भी रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मतलब वो हिस्टोग्राम है, और अलग हैं और वो कैटेगराइज हैं मतलब वो बार ग्राफ है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, एक डेटा गिवन है, एक रेंज गिवन है जिसके हिसाब से हमने उसकी हाइट के टावर बनाए हैं। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है कैटेगरीज है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि भाई अनइक्वल क्लास इंटरवल, जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो तब हम जो है हमारे पास जो बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, वो कैसे बनाएंगे अब उसको देखते हैं। अब हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स मींस अब हमारे पास जो डेटा होगी उसमें जो क्लास इंटरवल होंगे वो अनइक्वल होंगे। अब आते हैं देखते हैं, हमारे पास जो डेटा गिवन है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है उसकी डेटा लिखी है, लेंथ हम किसी भी लीव्स पत्तों की लेंथ मालूम कर रहे हैं मिलीमीटर में, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब एक क्लास में जो है हमने कितना गेप रखा है। ये हमने कॉलम क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल होगी वो अनइक्वल होगी। उससे पहले वाले डेटा में क्या था कि क्लास इंटरवल इक्वल थी, सब में सेम थी, अब सब में क्लास इंटरवल सेम नहीं होगी, चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास जो लेंथ है भाई, अब क्या कह रहा है, जीरो जो लेंथ हो हमारे पास जीरो से ग्रेटर हो और 5 के इक्वल हो या 5 के लेस हो। मैंने थोड़ी सी ये एग्जांपल इसीलिए लिखा है जिसमें ग्रेटर और लेस इक्वल ये साइन भी आए ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बता दूँ। इसका मतलब है कि भाई जो लेंथ है हमारे पास एल मतलब लेंथ, वो जीरो से ग्रेटर हो। अब जीरो से ग्रेटर हो मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और क्या हो 5 से लेस हो या 5 के इक्वल हो मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी, मतलब 1 से लेके 5 तक जितने भी पत्तों की लेंथ होगी 1 से लेके 5 मिलीमीटर तक वो इसमें आएंगे। अब सेकंड ग्रुप में क्या कह रहा है भाई, लेंथ जो हो 5 से ग्रेटर हो। अब 5 तक यहाँ पे आ गई थी ना, अब इसमें कह रहा है 5 से ग्रेटर हो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से, 5 से ग्रेटर हो और 15 से कम हो, 15 के इक्वल या 15 के कम हो। अब उसकी लेंथ जो है 5 से लेके 15 मिलीमीटर तक जो भी लेंथ होगी वो इस ग्रुप में लिखेंगे। 15 से ज़्यादा जाकर कहाँ तक, 25 मिलीमीटर तक जितने पत्तों की लेंथ होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 25 से ज़्यादा मतलब 26 से लेके 45 तक जितनी भी लेंथ होगी पत्तों की, जितनी भी 45 मिलीमीटर तक लेंथ होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। 45 से ज़्यादा मतलब 46 से लेके 70 मिलीमीटर तक जितने भी पत्तों की लेंथ होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उन पत्तों की लेंथ की फ्रीक्वेंसी गिवन है कि भाई जो इस क्लास इंटरवल में है उनकी फ्रीक्वेंसी है 13,
जो इस ग्रुप में आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 21, जो इस ग्रुप में आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 38, और जो इस ग्रुप में आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 10, और जो इस ग्रुप में आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 15। अब हमें क्लास इंटरवल भी हमने लिखा है कि भाई 0 से 5 तक जो उसके बीच में जो रेंज है इस क्लास इंटरवल की, या इस क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो क्या है, 5 है। 5 से लेके 15 तक इस क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो क्या है, 10 है, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो मतलब 6 है, तो 6 से लेके 15 तक जो होगा वो विड्थ होगी 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 हो गया तो विड्थ हो गई 10, 15 से ज़्यादा मतलब 16 से लेके 25 तक जो विड्थ है वो 10 है, 25 से ज़्यादा मतलब 26 से 45 तक जो विड्थ है वो 20 है, 45 से ज़्यादा मतलब 46 से लेके 70 तक जो विड्थ है वो क्या है, क्लास की विड्थ जो है वो 25 है। अब हमें क्या करना होगा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक और कॉलम मज़ीद हमें बनाना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, हम क्या है हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फार्म मालूम करेंगे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगी तब हम जाके हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में जब आपने ये दो कॉलम लगा दिए तो अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करना बहुत ही आसान है। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है उसकी क्लास विड्थ से। अब हमारे पास पहले में देखें फ्रीक्वेंसी क्या है, 13, तो हम क्या करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे उसकी क्लास विड्थ से, क्लास विड्थ क्या है 5, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट होगा 2.6। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 21, तो हम क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ क्या है 10, अब हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 2.1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 38 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी विड्थ क्या है, क्लास विड्थ क्या है 10, तो रिजल्ट बनेगा 3.8। 10 डिवाइडेड बाय 20 तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 0.5। अब फ्रीक्वेंसी क्या है 15, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 25, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो तकरीबन 0.6 बनेगा। जैसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बन गई अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम क्या रखेंगे हमारी लेंथ रखेंगे, चाहे वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, हम रखेंगे भाई 0 से लेके 70 तक। मैं 10 10 का गेप रख रहा हूँ, सपोज यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो है 0, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे 40 50 60 देन 70। अब ये तो हो गई भाई हमारे पास जो क्लास ग्रुप की जो लेंथ थी, ग्रुप्स थे, जो इंटरवल थे वो हमने एक्स एक्सिस पे रखे। अब वाई एक्सिस पे कैसे क्या रखें, क्योंकि इससे पहले जो इक्वल था हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल में, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी रख रहे थे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, क्लास विड्थ भी है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी है, लेकिन अब वर्टिकल हम क्या रखेंगे, अब वर्टिकल एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है वो नंबरिंग लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैं नंबरिंग लगाऊंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं गेप लगाऊँ वो 0.5 का लगाऊँ, ये है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ये मैंने गैप लगा दिया। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और ये आपकी क्या हो गई, क्लास इंटरवल जिसको आप कहते हैं, या हमारी जो है ये लेंथ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे। पहले इंटरवल आए भाई 0 से लेके 5 तक, तो ये 0 से हमारा 10 है, तो 0 और 10 के बीच में होगा 5, मतलब यहाँ तक भाई उसकी
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, 2.6, तो हमें इसको 2.6 तक बनाना होगा। मतलब ये हो गया 2.5, तो 2.6 होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ तक बनेगा 2.6 तक। सेकंड पे आए, सेकंड है 5 से लेके 15 तक, तो भाई ये 5 से लेके 15 तक, मतलब आपके पास ये 20 और 10 और 20 के बीच में 15 होगा, मतलब यहाँ तक। और उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, 2.1, 2.1 मतलब यहाँ से, अब यहाँ से जो है मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा 2.1 तक, ये 2.1 तक। उसके बाद सेकंड क्या है, 15 से लेके 25 तक, ये आपका 15, 25, 20 और 30 के बीच में हो गया, मतलब यहाँ पे। उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखें, वो क्या है, 3.8। ओह माय गॉड, अब है हमारे 25 से लेके 45 तक, तो यहाँ पे 25, 25 से लेके 45, मतलब 40 और 50 के बीच में ये 45। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 0.5, 0.5 मतलब यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास 45 से लेके 70 तक, 45 से लेके 70 यहाँ तक। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो है 0.6, मतलब 0.5 से थोड़ा ऊपर 0.6। अब आपके पास ये जो हो गया हिस्टोग्राम बन गया अनइक्वल ग्रुप इंटरवल का, ठीक है। अब अनइक्वल ग्रुप इंटरवल आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम को देख के कैसे पता लगे कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो ग्रुप इंटरवल है वो अनइक्वल है, वो आपको जो है इस रेक्टेंगल की विड्थ से पता लगेगा। अब आप इस पर ज़रा ध्यान दें तो हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है एक दूसरे से चेंज हो सकता है, किसी किसी की सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे दो की सेम थी, इन दोनों की सेम है, क्योंकि इन दोनों की जो है क्लास विड्थ 10-10 थी, बाकी सब की क्लास विड्थ चेंज है, तो उसकी जो रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो क्या बनेगी, चेंज बनेगी। तो जब भी आपके पास अनइक्वल डेटा होगी तो हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल बनेंगे, टावर बनेंगे, उनकी विड्थ चेंज होगी, किसी की विड्थ ज़्यादा होगी, किसी की कम, पर जब इक्वल डेटा होगी तो सबकी विड्थ जो है वो क्या बनेगी, सेम बनेगी, इक्वल विड्थ बनेगी। तो जब भी अनइक्वल आपके पास डेटा हो तो उसमें आपको तीन दो चीज़ें मजीद बनानी होगी, क्या, एक आपने क्लास विड्थ बनाना होगा, उसके बाद कॉलम दूसरा बनाना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम ऐसे बनेगा कि आप फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है आप वर्टिकल में रखेंगे, वर्टिकल एक्सिस में रखेंगे, और हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, जो हमारे पास लेंथ या क्लास इंटरवल जो गिवन होती है वो रखते हैं। ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम, कि भाई हमारे पास हिस्टोग्राम हमने ड्रा कर दिया। इंटरप्रेट करना भी वही है कि भाई आप देखें, अब इसको आप देखें, जिस टावर की या जिस रेक्टेंगल की विड्थ ज़्यादा है, मतलब ये अनग्रुप्ड है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है, जिसकी विड्थ इक्वल है, जिस ग्राफ में सबकी जो विड्थ हो वो इक्वल हो रेक्टेंगल की, मतलब ये क्या है, इक्वल क्लास इंटरवल है, जिसकी विड्थ कम हो, ज़्यादा हो, कम हो, मतलब ये अनइक्वल क्लास विड्थ है। और यहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई इसकी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो क्या है, और यहाँ से आपको उसकी रेंज पता लगेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा सेकेंड एसएलओ था 10 AKUEB का।